औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फिज़िक्स क्लास 10, यूनिट नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। आज का ये जो पहला लेक्चर है, इसके अंदर इस चैप्टर के पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चंस उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर आपके लिए किए जाएंगे। तो चलते हैं जी अपने आज के अहम लेक्चर की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन से क्या मुराद है? इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है। फर्स्ट, इन इंग्लिश, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्राम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब उर्दू में भी सुन लें, किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजिशन से आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन को वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाट इज हुक्स लॉ? हुक का कानून क्या है? तो इसका आंसर सुन लें, ये स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म के लिए है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। दिस एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मैथमेटिकली एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हेयर एफ इज द फोर्स, के इज कॉन्स्टेंट, x is displacement or extension produced in the spring. The minus sign shows that the direction of the motion is towards the mean position. अब यही डेफिनेशन उर्दू में भी सुन लें, जब किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, उसकी लंबाई में अजाफा होता है। लंबाई में ये अजाफा, यानी ये जो एक्सटेंशन है, जो स्प्रिंग खुल गया है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जो रियाजियाती शक्ल है, वो है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ यहाँ फोर्स है, के हुक कांस्टेंट है, हुक का कांस्टेंट है, जबकि एक्स स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट है। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज, what is spring constant? Now we define it and write its mathematical form. For an elastic body, the ratio between applied force and extension produced, mean displacement, is a constant which is called Hooke's constant and is denoted by K. मैथमेटिकली K इज इक्वल टू F ओवर X। नाउ इन उर्दू, किसी इलास्टिक जिस्म के लिए जिस्म पर लगने वाली फोर्स और जिस्म में पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट में एक मुस्तकिल निस्बत होती है, एक कांस्टेंट रेशो होती है, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूं है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। आंसर सुन लें, द फोर्स दैट ब्रिंग्स द वाइब्रेटिंग बॉडी टूवर्ड्स इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। उर्दू में भी सुन लें, वो फोर्स जो किसी वाइब्रेटरी मोशन करने वाले जिस्म को वस्ती पोजिशन यानी मेन पोजिशन की तरफ लेकर आती है, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या है? नाउ वी कम टू द आंसर। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक बॉब विद द स्ट्रॉन्ग लाइट थ्रेड हुज वन एंड इज कनेक्टेड विद बॉब एंड अदर एंड इज अटैच विद अ हुक। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। उर्दू में भी सुन लें, सादा पेंडुलम एक धाती गोली और धागे पर मुश्तमिल सिस्टम है,
जिसमें धागे का एक सिरा धाती गोली के साथ और दूसरा सिरा किसी मजबूत सहारे के साथ बांधा जाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम से क्या मुराद है? अब हम इसको डिफाइन करते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। पहले इंग्लिश में सुन लें, सिंपल पेंडुलम हैविंग इट्स टाइम पीरियड इक्वल टू 2 seconds इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। नाउ इन उर्दू, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 seconds होता है, सेकंड पेंडुलम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूं है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी? तो स्टूडेंट सुन ले, फर्स्ट इन इंग्लिश, फॉर स्प्रिंग अटैच्ड बॉडी द टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 2πm/k अंडर रूट। फॉर सिंपल पेंडुलम द फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। सो दीज आर द फार्मूलाज फॉर द टाइम पीरियड, बोथ फॉर स्प्रिंग अटैच्ड बॉडी एंड फॉर अ सिंपल पेंडुलम। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है? नाउ इन इंग्लिश, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन। अब उर्दू में भी सुन लें, जब कोई जिस्म वाइब्रेटरी मोशन में होता है तो वो फोर्स, वो नेट फोर्स जो उस जिस्म पर अमल करती है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।